टाइगर 3 उम्मीदों पर इतनी खरी तो नहीं उतर पाई, बट सलमान की पिछली मूवीज से मच बेटर बिजनेस कर रही है। द फिल्म में नॉट बी एबल टू टच 300 करोड़ लाइफ टाइम मार्क इन इंडिया बट इज स्टिल अ क्लीन सक्सेस। रिसेंटली ड्यूरिंग ए मीडिया इंटरेक्शन आफ्टर द सक्सेस ऑफ टाइगर 3, सलमान से पूछा गया अबाउट हिज रिएक्शन ऑन हिज फैंस बस्टिंग क्रैकर्स इनसाइड द थिएटर, एंड टॉकिंग अबाउट द सेम ही रिक्वेस्टेड हिज फैंस to not do activities like these in the cinemas because they are of course dangerous and repel family audience to come in theaters. बहुत ही dangerous है ये, it's not cool at all। अगर इन fans को ऐसा लगता है कि ये करके ये मेरी नज़रों में कोई respect कमाएंगे तो ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि आग लग सकती है और डेफिनेटली लग सकती है, and people can lose their lives and I do not want any हादसा like this to happen on एक ऐसे खुशी के अवसर पर कि एक कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए किसी के घर में। और कुछ ऐसे फैंस के वजह से जो फैमिली मेम्बर्स जो कि फ्राइडे सैटरडे संडे फिल्में देखना पसंद करते हैं वो शर्मा जाते हैं, वो कतराते हैं फिल्म जाके देखने के लिए, तो वो फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से जाके ये फिल्में देखते हैं। तो एंजॉय करें ज़रूर, बेशक एंजॉय करें, लेकिन ये दूध मेरे पोस्टर्स पे ना डालें, क्योंकि वैसे ही मुझे दूध इतना पसंद नहीं है। आई कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क, तो आई डोंट अग्री। अगर पिलाना ही है तो जाए गरीब बच्चों को पिला कर आए। About how Salman believes in staying humble and working hard for success, he said he learnt it the hard way long back. Nothing should go to your head. I think failure also should not go to your head, and success. Nothing is permanent. हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। जब इंसानों की एक्सपायरी डेट होती है तो हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। आज आप वो सक्सेस देख रहे हो फिर गोज़ टू योर हेड, बाद में जब आप नहीं देखोगे तो आप ही को बड़ी तकलीफ होगी। तो ये उस तकलीफ से बचने के लिए आई थिंक के यू शुड जस्ट डू योर वर्क एंड फॉरगेट अबाउट इट। चल गई, ऑब्वियसली चल गई तो सक्सेस, एवरीवन एंजॉयज इट, क्योंकि एक काम है, रोज़ी रोटी है, यू नो, पैसे आ जाते हैं, यू नो, तनख्वाह बढ़ जाती है, जो कि हर फील्ड में होता है। तो उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और जब नहीं होता है तो उसके बाद ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है। एक्चुअली बिलीव के ए पिक्चर हिट होने के बाद यू नीड टू वर्क एज हार्ड एज व्हेन योर फिल्म डज नॉट वर्क। दोनों ही सूरतों में इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको। ये मेरी थिंकिंग है, एंड दिस इज़ मैं इस पर अमल करता हूँ, हमेशा से किया है मैंने। एक दौर मेरा एक ऐसा रहा था कि ये तो अब चलता रहेगा, उसके बाद जो 2-3 पिटी हैं उसके बाद समझ में आया कि भाई मेहनत करना ज़रूरी है, बिकॉज दे वॉन्ट टू एन्जॉय योर ब्लड एंड योर स्वेट एंड योर हार्ड वर्क, कि यार हमारे लिए इसने बहुत मेहनत की है। दैट इज़ वॉट योर फैंस वॉन्ट टू सी ऑन स्क्रीन। सलमान ने SRK के साथ अपनी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में बात करते हुए बताया कि देयर ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इज़ बेटर देन देयर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। वो हमारी जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है वो हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से बेहतर है। अब जब ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही है तो यू कैन अंडरस्टैंड द ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री। जब सलमान से ये पूछा गया कि वो सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ काम का कंटेंट ही कंज्यूम करते हैं और फालतू कंटेंट इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो क्रिंज कंटेंट को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते। मैं पते की चीज़ देखता हूँ तो जो मेरा एल्गोरिज्म जो आता है वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर आता है जो कि मुझे अच्छी लगती हैं, और बस यही है, ये सब ऊट पटांग चीज़ें मैं देखता नहीं। okay. तो जैसे कैसा लगेगा रबिश ये क्या है, जो अपनी काम की चीज़ है वो देखता हूँ। तो वो जो क्रिंज वाला है मामला वो नहीं देखता। सलमान का इंटरव्यू हो और उसमें कैटरीना की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए सलमान ने कैटरीना के साथ अपनी केमिस्ट्री के बारे में क्या कहा। देखो, जब when you like people, ना that chemistry automatically comes about, और ये from Tiger 1 to 2 to 3 एक वो एक जर्नी जो रही है हस्बैंड एंड वाइफ की जर्नी, और उसमें जो रोमांस आया है, दैट इज़ व्हाट मोर देन द एक्शन पीपल लाइक दैट केमिस्ट्री इज़ वेल ऑफ दैट एक वन रोमांटिक सॉन्ग एंड टुवर्ड्स द एंड वन धमाल सॉन्ग, सो दे लाइक दैट। और इसमें ये नहीं किया है कि अगर टाइगर है तो सिर्फ टाइगर ही हर चीज़ कर रहा है, इसमें जोया इज़ द टाइगरेस इज़ एज इम्पोर्टेंट टू टाइगर, शी इज़ द क्लोजेस्ट, शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी टाइगर करता है वो जोया और जूनियर के लिए करता है, देश के लिए करता है। सो आई मीन शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द क्लोजेस्ट थिंग फॉर हिम एवर। तो दैट इज़ ऑल्सो सीन एंड दैट इज़ बीन अप्रिशिएटेड लॉट, क्योंकि शादी के बाद सबका रोमांस ख़त्म हो जाता है। ये इन्होंने रोमांस इनका शादी के बाद, टाइगर और जोया ने शादी के बाद भी ये रोमांस बरकरार रखा है।